यदिदं मनसा वाचा यद् चक्षुभ्यां श्रवणादिभिः नश्वरं गृह्यमाणं च नश्वरं गृह्यमाणं विद्धि माया मनोमयम् यदिदं मनसा वाचा। जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी श्रवण नेत्र आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है, मन का विलास है, माया मात्र है। ये श्रीमद् भागवत का 11वें स्कंद का 7वां अध्याय का एक श्लोक है। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 7वां अध्याय का ये श्लोक है। इसी अर्थ का तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में कहा है, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। जो कुछ देखने में आता है, सुनने में आता है, मन के विचार में आता है, बुद्धि के निर्णय में आता है, इंद्रियों की पकड़ में आता है, समाज की जकड़ में आता है, जो कुछ दिखता है सब अज्ञान से सच्चा भासता है, बाकी सब सपना है, सब सपना मात्र है, मोह मूल है। अपने स्वरूप का पता नहीं, उसलिए जीव बेचारा भटक भटक इसी में जीवन गंवा देता है। लेकिन समझदार लोग समझते हैं कि शरीर की नश्वरता क्या है, बुढ़ापा आने के पहले ही जवानी को विषय भोग में न गिरा कर परमात्मा में लगा देते हैं। आग लगने पर कुआं खोदते नहीं, पहले से ही कुआं तैयार कर देते हैं। कहां से आएगी सारी रात दूसरों की नींद खराब होगी और लोग बोलेंगे बूढ़ा मर जाए, उसके पहले वो अहंकार को मार देता है, वासना को मार देता है। चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएगी, चेहरा बद्दा हो जाएगा, उसके पहले वो अपना असली चेहरा देख लेता है। बाल सफेद होने के पहले ही वो अपना हृदय को स्वच्छ कर लेता है। पोपचे ढीले पड़ जाते हैं, आंखों से आंसू बहने के कारण आंखें भी बीभत्स हो जाती है। वक्षस्थल मरे हुए ढोर के चमड़े जैसा हो जाता है बुढ़ापे में। शरीर के जो मल विसर्जन के स्थान है वो भी अपना धर्म छोड़कर निस्तेज हो जाते हैं, दस्त लग जाते हैं, अजीर्ण हो जाता है, अनिद्रा का रोग हो जाता है बुढ़ापे में। मित्र संबंध और संबंधी और अपने सब पराये होने लगते हैं, उसके पहले वो परमात्मा का हो जाने की कोशिश करता है। जो सूज्ञ है, जो समझू है, वो समझता है कि सब चार दिन का चुटका मात्र है, देखने भर कोई मित्र है, देखने भर को पत्नी और पति है, ये सारा संसार सपने की नाई बह जा रहा है। मौत के पहले वो अपना सामान सजा लेता है, उस वैराग्यवान की बुद्धि में सदा ऐसा ही रहता है। जैसे अजगर की कोई सया नहीं बनाकर आराम करता है, अग्नि को कोई आलिंगन करने की इच्छा नहीं करता, वमन किए हुए भोजन को कोई ग्रहण करने की इच्छा नहीं करता, ऐसे वो विषयों की इच्छा नहीं करता, वाहवाही की इच्छा नहीं करता, धन की इच्छा नहीं करता, निर्धनता की इच्छा नहीं करता। उसको तो ये लगन होती है कि बस परमात्मा को कैसे पाले। कई जन्मों में कीट बना था, कई जन्मों में पतंग बना था, कई जन्मों में बंदर बना था, कई जन्मों में देवता बना था। उस वैराग्यवान को तो देवताओं का सुख भोग कुत्ते का सड़ा मांस जैसा लगता है। अप्सराएं उसको मरी हुई हिरणी जैसी लगती है, वाहवाही उसको सूकर की विष्ठा जैसी लगती है। हम समझते होंगे कि जिस बुद्ध पुरुष की वाहवाही करते हैं उसको बहुत मजा आता होगा, लेकिन उसको न मजा आता है न सजा आता है। साधक को तो सजा होती है, साधक के लिए प्रतिष्ठा सूकर की विष्ठा जैसा लगता है, मूर्ख को प्रतिष्ठा से रस आता है,
मूड को प्रतिष्ठा में रस आता है, साधक को प्रतिष्ठा जहर जैसी लगती है। सिद्ध के लिए जिसने अपना काम बना लिया है उसके लिए प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा सब मनोमात्र है, सारा विश्व मनोमय है, माया मात्र है। यदि दम मनसा वाचा चक्षु भ्याम श्रवण आदि भी मन से वाणी से चक्षु से कानों से जो कुछ सुनाई दिखाई पड़ता है सब मनोमय है। तुम्हारी मन की वृत्ति को अंतर्मुख कर देखो, फिर प्रशंसा और निंदा कुछ नहीं, भोग और त्याग कुछ नहीं, मित्र और अमित्र कुछ नहीं, कुछ नहीं में सारा धमाधम हो रहा है। जो समझदार है, जो सुज्ञ है, वो अपना एक एक श्वास अनमोल समझते हैं। जैसे तपे हुए लोहे का पान करने की इच्छा नहीं होती, ऐसी उसको विषय भोग की इच्छा नहीं होती, वो समझ लेता है। जैसे तैराकू अथवा नदी पार करने वाला सुनता है कि नदी के बीच मझधार में गहरा पानी है तो पहले से तुम्बा बांध देता है, ऐसे संसार सागर के तरने के लिए पहले ही वो ज्ञान का तुम्बा बांध लेता है। यदि दम मनसा वाचा चक्षु भ्याम श्रवण आदि भी, गुरु और शिष्य जा रहे थे। गुरु ने कहा, देख बेटा कुछ बनना मत, बनेगा तो बिगड़ेगा, कुछ बनना मत, मेरे साथ है तो फिर कुछ बनना मत। साधक भी कुछ बनने की इच्छा नहीं करता, मूकवत जड़वत लोष्टवत काष्टवत, बहुत चतुर मत बन, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा संसार में। डाह पस्याण पखे छड़े नाम नी सालाए, कह नानक सुनरे मना वृथा जन्म न गवाए। चेहरा लथड़िया खाए बिबित से चेहरा हो जाए, पड़ोसी कहेंगे कि बुढ़ा रात भर नींद खराब कर रहा है। रोग घेर ले उसके पहले ही वो निरोग आत्मा की औषधि को जान लेता है, ये विवेकी मनुष्यों का काम है। लोग कंधे पे पहुंचाएं उसके पहले ही वो अपने मन को आत्मा में पहुंचाने का यत्न करता है। मित्र मुंह मोड़ ले उसके पहले ही वो अपना मुंह परमात्मा की तरफ मोड़ लेता है। बेटा तू सावधान रहना, कुछ बनना मत, सतर्क रहना, लेकिन बनने की पुरानी आदत है। घूमते घामते जा रहे हैं किसी राजा की बगिया में, राजा सैलानी था, हवा खाने को आता था, अपने कमरे में आराम करता था। अलग अलग कमरे बने थे सिचुएशन देखने के लिए, बाहर का सिचुएशन के लिए राजा आता था, भीतर का सिचुएशन उसे पता नहीं। शिष्य एक कमरे में सो गया जाकर, गुरु दूसरे कमरे में सो गए। राजा घूमता आया, देखा कि मेरे कमरे में कौन सो गया है। नौकर ने पूछा है कौन है, तो शिष्य ने कहा मैं साधु। सिपाही ने उठाकर एक थप्पड़ रख दी कि साधु है, कैसा साधु है, राजा साहब के पलंग पे सो गया आके, राजा के घर में घुस गया बिना पूछे, कैसा तू साधु है। साधु है और फिर भी पलंग पे सोने का शौक नहीं गया, साधु है फिर तू आराम चाहता है। कान खींच के दो चार थप्पड़ रख दिए और भगा दिया। घूमते घामते राउंड मारते हुए दूसरे कमरे में पहुंचे, देखा कि वहां भी कोई सोया हुआ है। बजीर ने पूछा कौन हो, बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। बजीर पूछता भया, आखिर हिलाया तो वो बाबा आंखें मचलता हुआ उठा, पूछा कौन हो, बाबा चुप। राजा ने कहा इनको डांटो मत, ये कोई सिद्ध महात्मा मालूम होते। राजा ने उनका आदर किया, प्रणाम किया। जब कुछ जीव बनता है तब अहंता जोड़ता है, अहंता मार खाती है, अहंता और ममता मार खाती है, और ये अहंता ममता में कोई सार नहीं है। भागवत कहता है यदि दम मनसा वाचा चक्षु भ्याम श्रवण आदि भी, जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से श्रवण और नेत्र आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है,
मन का विलास है माया मात्र इदम सर्वम, ये सब माया मात्र है। जिसको अज्ञानी पामर मूर्ख लोग सच समझकर अपना जन्म गंवा रहे हैं उस संसार में कोई सार नहीं, कोई किसी का नहीं है। हाड़ मांस का देह रक्त परों से भरा हुआ, जिसे समझदार आदमी श्वान की त्वचा में पड़ा हुआ खीर पान करने की इच्छा नहीं करता, ऐसे समझदार दूसरे गर्भ में माताओं का दूध पीने की इच्छा नहीं करता, जैसे कोई लेट्रिन के पाइप में निद्रा करने के लिए नहीं जाता, ऐसे ही दूसरे जन्म में माता के उस पाइप में 9 महीने 13 दिन आराम करने की इच्छा नहीं करता समझदार आदमी। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही, ये सब मोह मूल है, इसमें कोई सार नहीं है। धनी होने में सार नहीं, निर्धन होने में सार नहीं, बहुत का नाम कमाने में भी सार नहीं, भिखारी होने में भी सार नहीं, स्वर्ग होने में भी सार नहीं, सब असार, सब माया मात्र है। जैसे रक्त और परों के भरे हुए कुंड में कोई स्नान करना नहीं चाहता, जैसे पामर और दारुड़ी व्यक्ति को कोई न्यायाधीश बनाना नहीं चाहता, ऐसे ही अज्ञानी मन के कहने में साधक नहीं चलता। ओम 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 ओम। श्री कृष्ण का वचन है कि उद्धव जैसे भभकते हुए तिनखों में कूदने की इच्छा नहीं की जाती, ऐसे ही समझदार इंद्रियों के भोग में नहीं कूदता, वो अपने इंद्रियों को अंतर्मुख करता है। अपने इंद्रियों को अंतर्मुख करके मन को परमात्मा शांति में डुबाकर मेरे से अचल हो जाता है। सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं परीक्षित, विलासी आदमी के लिए तो सारा संसार छोटा है, सारे संसार की चीजें कम है, लेकिन वैराग्यवान के लिए जो कुछ है बहुत कुछ है। हाथ में भोजन लेकर खाने को मिल जाए तो बर्तन क्यों रखना, खोबे में पानी पी सकता है तो गिलास क्यों संभालना पड़े, भुजाओं कोई अपना तकिया बनाकर आदमी आराम कर सके तो तकिया क्यों बढ़े। जिसको 7 दिन में मुक्ति चाहिए उसको संग्रह तो नहीं, लेकिन जो कुछ है उससे भी उपराम होकर सतत हरि का चिंतन करके हरि रूप हो जाना चाहिए। जिसके केश मौत ने पकड़े हैं उसको अधिक मित्र नहीं बनाने चाहिए, अधिक जगत की बातें नहीं करनी चाहिए, उसे शुचिर होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, गत व्यथा होना चाहिए। अपेक्षाएं न रखे, अपेक्षाएं न करे, किसी का धन किसी का साम्राज्य किसी का ऐश्वर्य छोड़ देखकर इच्छा न करे, क्योंकि मन सत्य संकल्प है। फिर उस अवस्था में आना पड़ेगा, फिर जन्मना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, इसीलिए दक्ष होना चाहिए। जैसे तैसे संकल्प करके अपने को कर्म के बंधन में न डालो, लेकिन ऐसे संकल्प करो कि जो कर्मों के बंधन बनाए उसको काटो। अभी जो तुम्हारी स्थिति है, अभी जो तुम्हारी अवस्था है, अभी जो तुम हो, ये तुम्हारे संकल्पों का रूपांतर है। पहले के किए हुए संकल्प अभी तुम हो, और इस होने से भी काम नहीं चलता और होने से भी काम न चलेगा, तुम कुछ होने की इच्छा मत करो। सतत सावधान रहकर उस आत्मपद को जान लो। जैसे समझो आदमी समुद्र का जल पीने की इच्छा नहीं करता, ऐसे ही समझो आदमी इंद्रियों के भोग की इच्छा नहीं करता। वांगू मक्खन पेड़ियां सुंदर विषय पिछाण, ये लड्डू चूने जहर के खावण मर जाण। जैसे चूने के लड्डू मक्खन के पिंड जैसे लगते हैं, लेकिन खाने मात्र से जीव का मृत्यु हो जाता है,
ऐसे विषय सुख कर भासते हैं, भोगने मात्र से बल बुद्धि तेज तंदुरुस्त आयुष्य नाश हो जाता है। बुढ़ापे में मन चंचल हो जाएगा, अधैर्य हो जाएगा, उसके पहले ही वो मनन कर लेता है। बुढ़ापे में टांगे स्थिर हो जाएगी, उसके पहले ही वो यात्रा स्थान की यात्राएं कर लेता है। बुढ़ापे में कान बहरे हो जाएंगे, उसके पहले ही वो ब्रह्म विद्या सुन लेता है। बुढ़ापे में आंखों की रोशनी मारी जाएगी, उसके पहले ही वो महात्मा पुरुषों का दर्शन पर्शन करके आत्म शांति पा लेता है। बुढ़ापे में बुद्धि चंचल अस्थिर और अग्राही शक्ति हो जाएगी, उसमें उसके पहले ही वो बुद्धि को स्थिर बुद्धि को जवानी में ही आत्मा में स्थिर कर लेता है, ध्यान में स्थिर कर लेता है। बुढ़ापा आने के पहले ही, आग लगने के पहले ही वो ज्ञान का कुआं खोद लेता है। हे ओधव, उन लोगों को देकार है जो मनुष्य तन को पाकर मैंने कई प्रकार के जीव और जंतुओं की रचना की। मैंने वृक्षों की रचना की, पशुओं की रचना की, पशुओं की रचना की, दो पैर वाले आदमी, दो पैर और दो हाथ वाले आदमी की अपेक्षा मुझे और कोई अधिक प्यारा नहीं। उसी को आत्मज्ञान पाने का अधिकार मिला है, उसी को मनुष्य जन्म सफल करने का अधिकार मिला है। उद्धव, विषय सुख तो और योनियों में बड़े सुविधापूर्ण मिलते हैं। खाना पीना, बच्चों को पैदा करना, दुख आए तो घबराना और सुख आए तो पूंछ हिलाना, ये तो कई जन्म के पामर जीव कर लेते हैं। जैसे सोकर नाली में खुश होता है, ऐसे ही अभागे आदमी विषय भोग में खुश होते हैं, हा हा हो हू में अपना जन्म गंवाते हैं। उनको अच्छी कथाएं रुचती नहीं, उन अभागों को अच्छी कथाओं में समय नहीं मिलता। लेकिन मेरा जो प्यारा भक्त है, जिसके पास विवेक है, वो साधु पुरुषों को खोज लेता है, निराभिमानी होकर उनके चरणों में प्रणाम करके अपना पाप और संताप निवृत्त करता है। ओधो, मेरे जो साधु पुरुष हैं, उनके दर्शन पर्शन से उसको मेरी याद आती है। मेरे जो संत पुरुष हैं, उनके हृदय के अनुभव युक्त वचनों को वो अपने हृदय के वचन बना लेता है। ओधो, और अधिक तुझे मैं क्या कहूं। जैसे उल्लू को सूर्य नहीं दिखता, ऐसे ही विषय के भोग में जो उल्लू हो गए, उनको ज्ञानियों का ज्ञान नहीं दिखता। बेहद भागी अभागे धन ऐश्वर्य में ही अपना जीवन गंवा देंगे और बुढ़ापे में पश्चाताप करके मरेंगे। फिर विष्ठा के कीड़े होंगे, फिर भी उनके दुख दूर न होंगे। पुत्र में मोह होगा, पौत्र में मोह होगा, पुत्र और पौत्र के विष्ठा के कीड़े बनकर भी वे दुख से न छूटेंगे। तुलसीदास कहते हैं, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सुकृत निंद कमंद मति आत्महन अधोगति जाई। वो कृतघ्न है, निंदनीय है, मंद मति है, आत्महत्यारा है, अधोगति को जाएगा। कुत्ती के पेट में आएगा, गधी के पेट में आएगा, कीड़ों के पेट में आएगा, वृक्ष बनेगा। ऐसे भोगियों का वो संग नहीं करता। जैसे त्यागे हुए मल का संग नहीं किया जाता, त्यागे हुए मल को हाथ में नहीं लिया जाता, ऐसे ही वो ऐसे पामर विषयी व्यक्तियों का साथ नहीं करता। वो मूढ़ों के हाथ में अपना हाथ नहीं देता, उसका हाथ तो साधुओं के चरणों तक पहुंचता है, उसके हृदय तो साधुओं के लिए खुला रहता है, उसका हृदय भूखियों के लिए बंद हो जाता है। लेकिन जो अभागे लोग हैं, ये वैराग्य की बात सुन के ही भाग जाते हैं। हे ओधव, जिनके पाप बहुत है, उनको ज्ञान और वैराग्य की बात का पता ही नहीं चलता। लेकिन जिसके पुण्य पुंज हैं, जिनके भाग्य खुले हैं, जिन पर मेरी कृपा है, जिन पर माता पिता का आशीर्वाद है, जिन पर किसी गरीबों की दुआ है, उनकी अक्ल काम देती है, वो संसार के सागर में डूबने के पहले ही आत्मज्ञान का किनारा ढूंढ लेते हैं। नाक की रीढ़ टेढ़ी हो जाती है, गाल लथड़ जाते हैं,
उसके पहले वो अहंकार को लथराकर साधु पुरुषों से आत्मज्ञान सुनकर अपने जीवन को आत्मा में स्थिर कर देता है। हे उद्धव, अधिक तुझे क्या कहूं, ये पुत्र मेरे हैं, ये परिवार मेरा है, ऐसी दुर्बुद्धि को त्याग कर, ये सब को मनोमात्र समझकर, माया मात्र समझकर इसका मोह त्याग दे। हे उद्धव, तू बद्री का आश्रम जा, इंद्रियों की चपलता छोड़, जगत की चीजों की वासना छोड़, ये आंखों के विषय, ये कानों के विषय, ये नाक के विषय, ये शिशना के विषय मूर्ख लोगों को भटका देते हैं। मछली जैसे स्वाद में अपना जीवन बर्बाद कर देती है, ऐसे ही तू जीवा के स्वाद में अपना जीवन बर्बाद मत करना। हिरण जैसे शब्द में अपना जीवन बर्बाद कर देता है, ऐसे ही उद्धव तुम अपना बाहर के गीत गान में अपना जिंदगी बर्बाद मत करना। हाथी जैसे हथिनी को देखकर कामांध हो जाता है, खड्डे में गिरता और सारी जिंदगी महावत की गुलामी सहता है, ऐसे ही काम रूपी महावत की गुलामी सारी जिंदगी सहकर अंत में क्या मिलता है, अंत में क्या हाथ लगता है। उद्धव, श्री कृष्ण कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। श्री कृष्ण ऐसा नहीं कहते हैं कि बस कृष्ण 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 करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जो कहता हूं उसको समझकर संसार से उपराम हो जाओ, मैं जो तुम्हारे हृदय में छुपा हूं उसमें तुम आराम करो, फिर मेरे में और तुम्हारे में कतई भेद न रहेगा। विषयों की गुलामी करने से तुम तुच्छ हो जाते हो, दीन हो जाते हो, और अपने आत्मा में आराम करने से तुम परमेश्वर हो जाते हो। ये उद्धव, चुनौती तुम्हारी है। पूर्व में हमारे कुल यदु कुल के यदु राजा ने बहुत भोग भोगे थे, राज्य का सुख लिया था, लेकिन इंद्रियां तृप्त नहीं हुई, आत्मा के आनंद में मस्त, ब्रह्मानंद की मस्ती में मस्त अवधूत योगेश्वर को उन्होंने देखा। यदु राजा ने आदर से प्रणाम किया और कहा कि भगवान, तुम्हारे पास कोई राज्य नहीं, फिर भी चेहरे पर बड़ी शांति, तुम्हारे पास सोने के लिए पलंग नहीं है फिर भी बड़ी शांति है, खाने के लिए व्यंजन नहीं है फिर भी तुम्हारा चेहरा तंदुरुस्ती की और प्रसन्नता की खबरें दे रहा है, तुम्हारे पास नौकर चाकर न होते हुए भी तुम्हारा शरीर सुडोल और तंदुरुस्त रहा। हे नाथ, तुम्हारी शांति को देखकर मुझे अपने राज्य से घृणा हो रही है, तुम्हारी निश्चलता को देखकर मेरे अपना चलित राज से उपरामता आ रही है। यदु राजा ने दत्त को प्रणाम करते हुए पूछा कि आप ऐसे महान आत्मरामी कैसे हुए, आपके चित्त में परम शांति के फुहारे फूट रहे हैं, तुम्हारे दर्शन से हमको इतना आनंद आ रहा है तो तुम्हारे अंदर कितना आनंद होगा, तुम्हारी निगाहों से इतना प्रेम टपक रहा है तो तुम्हारे भीतर कितना होगा। अर्घ्यपाद से पूजन किया, आदर से चरणों में बैठकर हमारे कुल में उत्पन्न हुए यदु कुल में यदु राजा ने प्रश्न किया। तब जीव मात्र के परम हितेशी आत्मज्ञानी वह योगेश्वर दत्तात्रेय कहते हैं कि राजन, मैंने एक गुरु नहीं बनाया है, कई बार एक गुरु के उपदेश से जीव का काम नहीं चलता, एक बार के मंत्र दीक्षा से काम नहीं चलता, इसलिए अनेक अनेक ब्रह्मवेताओं के उपदेश को गुरु लोग दोहराकर आत्मज्ञान जगाते हैं। दत्तात्रेय गुरु हैं, जिसको आत्मज्ञान है वे सब गुरु हैं, उनको हमारा प्रणाम है। जो इंद्रियों को संयत करके अपने चित्त को परमात्मा में लगाते हैं उनको हमारा प्रणाम हो। जो मौत के पहले, शरीर जर्जरीभूत होने के पहले, बुढ़ापा आने के पहले, मशान में राख होने के पहले, अर्थी की सवारी करने के पहले जो इंद्रियों पर सवार हो जाते हैं
ऐसे साधकों को दुख नहीं देखना पड़ता है। बाकी के लोग सर धुन धुन के पछताते हैं। सर धुनी धुनी पछतावहि, काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगावहि। दत्तात्रेय कहते हैं, हे यदुराजा, मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया है। पृथ्वी को कोई खोदता है, कोई कितना ही अनिष्ट करता है, कोई कितना ही हरकत करता है, लेकिन पृथ्वी में धैर्य है। सब अपनी अपनी धारणा और मान्यता के अनुसार व्यवहार करता है। ऐसे मैंने अपने चित्त को पृथ्वी के नाई अचल कर दिया। कोई भला कहे तो क्या है, कोई अवधूत कहे तो क्या है, कोई हुरियो कर दे तो क्या है, कोई चंदन का लेप कर दे तो क्या है, कोई सोने के सिंहासन पर बिठाए तो क्या है, कोई थूक दे तो क्या है। आखिर तो पृथ्वी का बना हुआ पुतला पृथ्वी में मिट जाएगा। इसलिए मैं अपने चित्त को पृथ्वी का गुण लेकर अचल रखता हूं। चित्त को अचल रखने के कारण मेरी शांति अचल बनी रही है। मैंने जल को भी अपना गुरु बनाया है। जल का स्वभाव जैसे द्रवीभूत है, जल का स्वभाव जैसे शीतल है, उसे तपाया जाए तो गर्म दिखता है, लेकिन छोड़ दो तो फिर शीतल होता है। गर्मी उसका अपना गुण नहीं है, गर्मी लाई जाती है, देखने मात्र को है। जल को छोड़ दो तो फिर वो जैसे का वैसा हो जाता है। ऐसे ही मैं चित्त को छोड़ देता हूं उस चैतन्य में, तो वो चित्त चैतन्य स्वरूप में शीतल हो जाता है। जैसे जल का स्वभाव है लोगों की प्यास बुझाना, ऐसे ही मैं ज्ञान का पर्व लगाकर लोगों की अशांति और जन्म जन्म की प्यास बुझाने का प्रयास करता हूं। मैंने जल को अपना गुरु बनाया है, मैंने तेज को भी अपना गुरु बनाया है, अग्नि को अपना गुरु बनाया है। अग्नि कभी व्यक्त होती है, कभी अव्यक्त हो जाती है। ऐसे ही मैं कभी तो लोगों के बीच होता हूं और कभी एकांत में चला जाता हूं। सतत लोगों के बीच रहने से विक्षेप बढ़ जाता है। सतत लोगों के बीच रहने से इंद्रियों में आदमी जीने लगता है। सतत लोगों के बीच रहने से भोगों में आसक्ति हो जाती है। इसलिए साधक को उचित है कि सतत लोगों के बीच न रहे, कभी कभी एकांत में चला जाए। एकांत वासो लघु भोजन आदौ मौनम निराशा करणावरोधा। एकांतवास में जो चित्त का प्रसाद मिलता है, एकांतवास में जो आत्मा की शांति लहराती है, एकांतवास में जो अग्नाश होते हैं, एकांतवास में जो परमात्मा का प्रेम मिलता है, वो कोई एकांतवासी से पूछो। मीरा को क्या मिलता है, मीरा से पूछो। बुद्ध को क्या मिलता है, मौन में बुद्ध को पूछो। कबीर को क्या मिलता है, कबीर से पूछो। जनक को क्या मिला था, जनक से पूछो। ओम 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 ओम। लेकिन संसार को सच्चा मानने के कारण, इंद्रियों में अपना जीवन नष्ट करने के कारण, भोगों में अपनी बर्बादी करने के कारण वो अनहद नाद सुनाई नहीं पड़ता। वो सोहम का नाद सुनाई नहीं पड़ता। वो सहज में आत्मा का आनंद दिखाई नहीं पड़ता। मैंने कई गुरु किए, इन 24 गुरुओं में एक कुंवारी लड़की भी मेरी गुरु है। घूमता घामता गया मैं। लड़की के सगपण के लिए कुछ लोग गए थे घर, माँ बाप थे नहीं, वो धान छड़ रही थी। मेहमान बैठे कमरे में, माँ आएगी खिचड़ी बनानी है, मेहमानों के लिए भोजन बनाना है, चावल छड़ रही थी। उसके हाथ में बंगड़ियां थी। देखा कि बहुत बंगड़ियां होगी तो आवाज आएगा, मेहमान हमारे घर की दरिद्रता समझ लेंगे। बंगड़ियां उतार कर दो रख दी, दो में भी आवाज आ रहा था, फिर एक उतार दी, एक रही तो आवाज बंद हो गया। अधिक लोगों के बीच रहने से राग द्वेष होता है, तेरा मेरे का घोंघाट होता है।
लेकिन साधना में तो दो आदमी रहने से भी एक दूसरे के मानसिक आंदोलन की असर होती है, इसलिए साधना में जब बैठे तो अकेले एक होकर बैठे, एक होकर अपने को समझे। जब मैं घर में बैठूं या गुफा में बैठूं तो अकेले अपने ईश्वर में डूबा रहूं और कोई नहीं, ऐसी भावना से मैं अद्वैत भावना में स्थिर होता हूं। साधक को अकेले में कभी कभी बैठने का अभ्यास करना चाहिए, मन के विचारों को निहारना चाहिए, कभी कभी मौन होना चाहिए। मैंने उस लड़की के चूड़ियों से भी शिक्षा ले ली कि अकेला बैठना शांति का कारण होता है। मैंने अजगर को भी अपना गुरु बनाया है, मैंने मछली को भी अपना गुरु बनाया है, मैंने पतंग को भी अपना गुरु बनाया है, मैंने मधुमक्खी को भी अपना गुरु बनाया है। राजन, जिससे मधुमक्खी संग्रह करती रहती है, संग्रह के साथ उसका भी विनाश हो जाता है, ऐसे ही साधक को संसारी चीजों का, संसारी बातों का संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि संसारी बातों का संग्रह करता है तो अपनी शक्ति उसमें लीन हो जाती है और वो साधक का नाश हो जाता है, साधना का नाश हो जाता है। तुलसीदास कहते हैं, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। भागवत में कृष्ण कह रहे हैं, यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवण आदि भी नश्वरम गृहमाणम च विद्धि माया मनोमय। जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी श्रवण नेत्र आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है, मन का विलास है, माया मात्र है। बड़े बड़े राजे चले गए, पृथ्वी की धूली के कण का तुम गिन सकते हो, लेकिन यहां पर कितने मनुष्य आकर चले गए वो नहीं गिन सकते हो। सम्राट अपना नाम जिन कीर्ति स्तंभों पर स्वर्ण अक्षरों से लिख कर गए, वे कीर्ति स्तंभ भी जर्जरीभूत होकर नष्ट हो गए। कुतुब मीनार बनाकर जो लोग अपनी यश चाहते थे, उन लोगों की हड्डियां भी नहीं मिल रही है। अब तो कुतुब मीनार भी चलने को है, ऐसे कुतुब मीनार भी कई बने और कई चले गए, तो तुम्हारा मीनार कब तक रहेगा? तुम्हारा ये देह रूपी मीनार गिरे उसके पहले ही तुम अपनी वासनाओं को परमात्मा के चरणों में गिराकर परमात्मा के हो जाओ। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, राजन, भोगी मनुष्य के लिए तो बहुत सारे भोग हैं, लेकिन साधक के लिए तो बहुत समय है। खटवांग राजा को एक मुहूर्त में ज्ञान हो गया, तेरे लिए तो 7 दिन है। 7 दिन में मोक्ष होना कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन इंद्रियों को अंतर्मुख करके मन को परमात्मा में डुबा दे तो 7 घड़ियों में भी मोक्ष हो सकता है। ये जगत को माया मात्र समझ, इस जगत को स्वप्न मात्र समझ, राजा वेण आया, रहु राजा आए और राजे आए, लेकिन हे राजन, सब आकर जैसे पानी में बुदबुदे होकर नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही सब राजा आकर नष्ट हो गए, तू किस राज्य की इच्छा रखता है? कबीर कहते हैं, क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, सब छोड़ छोड़ कर जा रहे। मैंने सर्प को भी अपना गुरु बनाया है, सर्प जैसे दूसरे के बिल में जी लेता है, ऐसे ही साधक भी दूसरे के मकान में, दूसरे के आवास में जी ले, बड़े आवास बनाने की चिंता न करे। उंदर खोदेन भोरिंग भोगवे, कुओ बिर ठाईंदो आहे, कुओ विंदो खोटींदो, घिड़ंदो विंदो बिर में, हलंदो विंदो बिर में, वॾो बिर शाही ठाहींदो, नांग ईंदो बिर में घुसंदो, कुए खे खाई वेंदो, पाण अची बिर में रहंदो। उंदर खोदे अने भोरिंग भोगवे, ऐसे गृहस्थी आदमी तो खूब कथा करते हैं, त्यागी सन्यासी और ब्रह्मचारी उसको भोग कर भगवान के रास्ते चल पड़ते। संग्रह अधिक अच्छा नहीं, ये मोक्ष पथ में आड़ है, कैसे भला तू भग सके सिर पर लदा जो भार है।